तो बच्चों हम लोग भाग टू बना रहे थे। हम लोग भाग टू में 6, 7 और 8 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन क्लासेस को मिस कर दिया, आप लोग इन क्लासेस को नहीं देख पाए हो 6, 7, 8, तो पहले उस क्लास को देख लो, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या पूछा जा रहा है और क्या करना है मैंने सब कुछ बताया हुआ है उस क्लास में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा 9 नंबर। तो 9 हमें बेसिकली क्या करना था, इसमें हमें जो लेफ्ट साइड में पिक्चर दिया गया है और हमें दिया गया है 4 ऑप्शन, तो हम लोग 4 ऑप्शन में से उस पिक्चर को चुनना है जो लेफ्ट साइड में पिक्चर के सेम टू सेम हो। ठीक है, तो हम लोग अब चुन लेते हैं 9 वाले क्वेश्चन का आंसर। तो 9 वाले क्वेश्चन में एक पिक्चर दिया गया है, अब हम लोग सारे ऑप्शन सेम एक एक करके मिला करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मिला लेते हैं ऊपर वाला पोर्शन। तो ऊपर वाला पोर्शन अब पहले हम लोग 1 नंबर से मिला रहे हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला पोर्शन सेम टू सेम है एक दूसरे के, फिर उसके आ जाते हैं नीचे एक लंबा सा लाइन होना चाहिए 2, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, लाइन हो गया टेढ़ा, सीधा आते आते हो गया टेढ़ा, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सेम टू सेम नहीं हो सकता ना, क्योंकि अलग दे दिया जब हम लोग मिला के देख रहे, तो इसको कर देंगे हम लोग क्रॉस। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग मिलाते हैं अब इस पिक्चर को। तो ऊपर वाला हिस्सा पहले मिलाएंगे, तो ऊपर वाला हिस्सा मिल गया क्योंकि सेम टू सेम दिया हुआ है, फिर उसके नीचे वाला हिस्सा भी सेम टू सेम दिया हुआ है, फिर उसके नीचे वाला हिस्सा सेम टू सेम दिया, फिर क्या दिया गया, माइनस का साइन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस का साइन दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया है और यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया, इस बाकी सब सही है, सेम टू सेम पिक्चर है, लेकिन माइनस प्लस में फिर हमारा अलग हो गया। ठीक है, वहाँ सब्ट्रैक्ट का निशानी दिया हुआ है, यहाँ पे किस चीज़ का निशान दिया हुआ है, एडिंग का निशान दिया हुआ, इसलिए हमारा 2 नंबर रॉन्ग हो गया, इसलिए हम इसको कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, अब फिर से हम मिलाते हैं 3rd वाले पिक्चर से हमारे लेफ्ट साइड वाले पिक्चर को। तो पहले हम लोग ऊपरी हिस्सा मिलाएंगे इसको, तो जब 3rd वाला पिक्चर हम देख रहे तो ऊपर वाला ही रॉन्ग दिया हुआ है, उल्टा अलग दिया हुआ है, इस साइड से भी दे दिया, उस साइड से भी दे दिया, तो डिज़ाइन जो है हमारा पिक्चर का वो अलग दिया हुआ है, यानी कि 3rd वाला पिक्चर भी एकदम अलग है, गलत है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपरी हिस्सा मिलाते हैं इस वाले को, इससे तो मिल रहा है, फिर नेक्स्ट ये वाला मिल रहा है, फिर नेक्स्ट ये वाला डिज़ाइन भी मिल रहा है और माइनस भी मिल रहा है और ये नीचे वाला हिस्सा भी मिल रहा है, तो कुल मिला के क्या हमारा 4 नंबर का पिक्चर जो है इस पिक्चर से सेम टू सेम मिल गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो आंसर हमको मिल गया ना 4 नंबर। तो ऐसे ही हम लोग को बारीकी से अच्छे से देख देख के मिलाना है, नहीं तो अगर कुछ भी आपका छूट गया मिलाने में कि ये अलग अलग हो गया यानी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स भी कट जाएंगे। तो पहले आप लोग को अच्छा से चेक करके देख लेना है 2 बार कि आपने सही टिक मारा है या नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 10 नंबर। तो 10 नंबर में फिर से हम मिलाएंगे जो लेफ्ट साइड में पिक्चर दिया गया है उसको इन 4 ऑप्शन में से मिलाना है, तो पहले हम लोग मिला करके देख लेते हैं। तो हम लोग मिला के देख लेते हैं, तो पहले हमें क्या मिलाना, एक स्क्वायर का हाफ दिया हुआ है तो इसमें भी दिया गया है, फिर ये वाला एस बनाया गया इसमें भी, फिर इसमें भी बनाया गया है, ये वाला छोटा सा सर्कल यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इस एस के बगल में एक लाइन यहाँ पे भी दिया गया और यहाँ पे भी दिया गया, यानी कि हमारा जो है 1 नंबर वो हो गया राइट, हो गया ना, टिक मार देंगे इसको। क्यों राइट हो गया भाई, क्योंकि जो इस पिक्चर को पिक्चर ये दिया गया है सेम टू सेम इसी तरह है ये पिक्चर भी, इसीलिए हमारा सही हो गया आंसर। तो अब हमको इन तीनों को देखने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि हमको तो आंसर मिल गया, तो हमको और बाकी सारे ऑप्शन को 2, 3, 4 को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों,
क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है, इसीलिए अब हम बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे, है ना। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भाग थ्री। भाग थ्री क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति का भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई 1, 2, 3, 4 उत्तर आकृतियों को देखें। उस आकृति को ढूंढें जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 में उतली। तो बेसिकली इसमें क्या पूछा जा रहा बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है इसमें कि लेफ्ट साइड में आप लोगों को बाईं ओर एक पिक्चर बनाया गया, एक पेंटिंग, एक पेज में पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। चार पेपर में पिक्चर बनाया गया है और तीन हिस्सा यहाँ पे है और एक हिस्से को फाड़ दिया गया और फिर आपको बोला गया कि आपको आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों में से ढूंढ के बताओ कि कौन सा पिक्चर इसमें फिट बैठेगा, यानी कि सेम टू सेम इसमें मिल जाना चाहिए, अलग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा पिक्चर हो सकता है, पहले हम लोग अब इसको पेज में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, डिज़ाइन को बना करके देखेंगे, तभी ना हमें पता चलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पिक्चर को ड्रॉ करके अच्छे से देख लेते हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए हमारा फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा तीन हिस्सा में जो दिया गया है वैसा हम लोग बना लेते हैं। पहले एक स्क्वायर लिया गया है, उसके बाद एक लाइन इधर से होना चाहिए और एक लाइन इधर से, है ना, सेम टू सेम वैसा बना रही हूँ मैं। उसके बाद बीच में एक और स्क्वायर होना चाहिए, ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद चारों साइड में दो लाइन से डिज़ाइन किया गया है, है ना, इधर से टू लाइंस, इधर से टू लाइंस, इधर से टू लाइंस और फिर इधर से भी टू लाइंस हमें करना है। तो हम लोग कर लेते हैं ड्रॉ। तो हमें हमारा फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पे मिल गया ना। तो यहाँ पे हमें हमारा फोर्थ वाला पार्ट मिल गया। कैसा होना चाहिए हमारा फोर्थ वाला पार्ट, देखिए इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये वाला हिस्सा हमारा फोर्थ वाला पार्ट है। अब हम देखते हैं इन चार ऑप्शन में से कि हमें इस तरह का पिक्चर दिया गया है या नहीं। अगर दिया गया है तो वही हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वन नंबर जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो वन नंबर में आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से बनाया गया है। अच्छे से मैं एक बार क्लियरली दिखा देती हूँ आपको बना के। ऐसा होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाले पिक्चर में इस तरह बनाया गया है, नहीं है ना। देखो मिला के आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिकली ड्रॉ करके डिज़ाइन को देखना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो जब हम वन वाले ऑप्शन को देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसा पिक्चर नहीं दिया गया जैसा हमें चाहिए, जैसा डिज़ाइन हमें चाहिए जो इसमें फिट बैठ सके। तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में कैसा चाहिए था हमें, ऊपर में स्क्वायर का एक भाग और नीचे टू लाइंस, लेकिन टू वाले पिक्चर में क्या दिया गया,
नीचे में एक स्क्वायर का भाग और ऊपर में टू लाइंस दिया गया, यानी कि टू नंबर हमारा रॉन्ग होगा ना, इसीलिए हम इसको भी क्रॉस कर देंगे यानी काट देंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पिक्चर पे, हमारे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो आप लोग देखो थर्ड वाला ऑप्शन, तो थर्ड वाले ऑप्शन में हमें क्या चाहिए था, एक स्क्वायर और नीचे टू लाइंस। तो थर्ड वाले पिक्चर में वही दिया हुआ है जो हमें चाहिए था, एक स्क्वायर और नीचे टू लाइंस, तो जो कि यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, एक स्क्वायर और नीचे टू लाइंस। तो हमें क्या पता चला कि थर्ड वाला पिक्चर हमारा राइट है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट है, जो कि इसमें फिट बैठ जाएगा ये वाले डिज़ाइन में, जो कि हाफ डिज़ाइन हमें ले लिया गया था वो हमें फोर्थ वाले ऑप्शन से मिल जाएगा, इसलिए हम फोर्थ वाला ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। इसलिए हमको आंसर मिल गया हमारे 11 नंबर के क्वेश्चन का, जो कि है थर्ड नंबर, है ना, थर्ड वाला ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में फिर से एक डिज़ाइन बनाया गया है, दिख रहा होगा आपको। तो हम लोग इस तरह से सेम टू सेम डिज़ाइन पहले बना लेते हैं, पूरा बनाना पड़ेगा ना जब हम लोग बनाएंगे। तो पहले एक स्क्वायर ले लेना है, फिर हमें क्या लेना, चार पार्ट करना है इसका, उसके बाद हमें इस तरह से एक लाइन देना है, इस तरह से एक लाइन देना है, इस तरह से एक लाइन देना है, और फिर इधर से लाइन देना है, फिर हमें एक यहाँ पे करना है लाइन और इसको यहाँ पे ऐसे करके मिला देना है, फिर यहाँ पे एक लाइन लेना और इसको ऐसे करके मिला देना है, फिर यहाँ पे एक लाइन लेना है और इसको यहाँ पे ऐसे करके मिला देना है, और फिर एक लाइन लेना और ऐसे करके मिला देना। तो यानी कि हमारा फोर्थ वाला पार्ट हमें मिल गया। तो फोर्थ वाला पार्ट हमें किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, और फिर इस तरह से, इस तरह से, और फिर इस तरह से। तो फोर्थ वाला पार्ट हमें मिल गया ना, तो ऐसा होना चाहिए हमारा फोर्थ वाला पार्ट। अब हम इन चार ऑप्शन में से देखते हैं कि हमें हमारा फोर्थ वाला पार्ट मिला या नहीं, ठीक है। हमें हमारा फोर्थ वाला, सॉरी, ये वाला लाइन भी अटैच होगा जो कि मैंने गलती से छोड़ दिया। तो फोर्थ वाला पार्ट भी हमें मिल गया, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें इस तरह का पिक्चर दिया गया है या नहीं ऑप्शन में से। अगर दिया गया है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला पहले हम लोग पिक्चर देखते हैं। तो वन वाले पिक्चर में आपको लग रहा है सेम टू सेम है, हाँ है, क्यों, एक लाइन दिया गया है, इसमें भी एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, नीचे एक ट्रायंगल बनाया गया है और इस नंबर वन वाले ऑप्शन में भी एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो कुल मिला के जैसा पिक्चर हमें चाहिए था, डिज़ाइन का जो भाग गायब है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, जो कि है वन नंबर। तो वन नंबर को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ना कि बाकी ऑप्शन पे। हम लोग बाकी ऑप्शन अब नहीं देखने वाले। क्यों नहीं देखने वाले, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मिल चुका है। तो चार ऑप्शन में से आंसर सिर्फ एक ही होता है, जो कि हम लोगों को मिल गया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पिक्चर आप लोग लेफ्ट साइड में दिया गया है, ऐसा होना चाहिए, और फिर हमें ढूंढना है इन चार ऑप्शन में से इसका फोर्थ वाला पार्ट। तो पहले पिक्चर को हम अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। 13 नंबर वाले पिक्चर को पहले हम लोग बना लेते हैं कि कैसा पिक्चर दिया हुआ है। पहले एक स्क्वायर होगा, उसके बाद एक स्क्वायर इस तरह से बनाना है, उसके बाद एक और स्क्वायर अंदर में बनाया गया है, और फोर साइड फोर सर्कल्स होगा, ठीक है। तो हमें इस पार्ट वाला पिक्चर मिल गया, कैसा होना चाहिए, इधर वाला पार्ट होना चाहिए, यानी कि ऐसे होना चाहिए,
और फिर ऐसे होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस तरह से पिक्चर चाहिए। अब हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कि ऐसा दिया गया है या नहीं। सॉरी, ये वाला चीज़ यहाँ होना चाहिए ना, क्योंकि इधर से सर्कल बन रहा है, तो मैंने गलती से ऊपर दे दिया, लेकिन इस तरफ होना चाहिए, यानी कि पिक्चर हमारा होना चाहिए। मैं अच्छे से डिटेल में दिखा देती हूँ, इस तरह से हमारा पिक्चर बनना चाहिए। अब हम देखते हैं हमें चार ऑप्शन में से इस तरह का दिया गया है या नहीं। तो फर्स्टली हम वन नंबर देख लेते हैं। तो हम लोग वन नंबर देख रहे हैं, तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि हमारा वन नंबर का पिक्चर जो है वो डिफरेंट है जिस तरह हमें चाहिए। हमें ऐसा चाहिए, सर्कल नीचे की ओर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्कल क्या है, ऊपर की ओर दिया गया है, ठीक है। तो हमारा रॉन्ग हो गया, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, हम हमारे नेक्स्ट वाले पिक्चर को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पिक्चर। तो नेक्स्ट वाला पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि सेम चीज़ किया गया, यानी कि सर्कल जो है वो ऊपर की ओर दिया गया। हमें किधर चाहिए था, इधर नीचे की ओर चाहिए था, यानी कि हमारा टू नंबर ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन में, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में भी जब हम देख रहे हैं तो हमें जो सर्कल है, जो ये वाला सर्कल दिया गया है, वो ऊपर वाले लाइन में नीचे की ओर चाहिए था। सर्कल जो है वो क्या है, रॉन्ग दिया गया है, यानी कि थर्ड वाला पिक्चर भी हमारा रॉन्ग है। तो हम इसको क्रॉस कर देंगे और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पिक्चर, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है, जैसा ऑप्शन, जैसा पिक्चर हमें चाहिए था, ऊपर वाले लाइन में एक सर्कल, तो यहाँ पे भी ऊपर वाली लाइन में एक सर्कल दिया गया और फिर एक और लाइन दिया गया है। यानी कि कुल मिला के जब हम अच्छे से देख रहे हैं डिज़ाइन को पूरा बना के, पहले आप लोगों को भी देखना है, तब आपको पता चलेगा कि आपका डिज़ाइन फोर्थ वाला कैसा निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग का डिज़ाइन निकल गया है, तो हम लोग का देखो, हम लोग का जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो मिल गया। क्यों? क्योंकि हमें जैसा चाहिए था पिक्चर वो वैसा ही दिया गया। तो इसलिए हमें पहले, हमें अपने कॉपीज़ में यानी रफ करके हमें पहले डिज़ाइन को कम्प्लीटली बना के देखना है, तभी हमें फोर्थ वाला पार्ट पता चलेगा कि क्या होना चाहिए डिज़ाइन। उस हिसाब से फिर हम चार ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे हमें फोर्थ वाला आंसर हमें मिल गया, इसलिए हम लोग इसको टेक आउट कर देंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट साइड में एक पिक्चर बनाया गया है और उस पिक्चर को हम लोग फिर से एक पेपर पे ड्रॉ करके देख लेंगे। अच्छे से पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पूरा पिक्चर को जब तक हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि डिज़ाइन फोर्थ वाला पार्ट का कैसा होना चाहिए। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक स्क्वायर चाहिए, फिर चार पार्ट किया गया है, दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्वायर बाइसेक्ट करके करना आपको बनाना है, एक स्क्वायर इससे बना लेना है। उसके बाद यहाँ से एक डिज़ाइन यानी ट्रायंगल बनाया गया है और फिर यहाँ से एक लाइन को डाला गया है और फिर इस लाइन से एक और लाइन बनाया गया है और इस लाइन से फिर यहाँ पे एक लाइन जोड़ा गया है और फिर यहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ से एक लाइन लिया गया है और फिर इसको ब्लैक से कलर कर दिया गया है। तो सेम इस साइड में भी हमें वही करना है, ठीक है। इस साइड में भी हमें वही करना है, एक और लाइन लेंगे। तो देखिए हम लोगों ने डिज़ाइन यहाँ पे कर लिया। एक बार मैं फिर से इसको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि पिक्चर जो हमारा दिया गया है वो थोड़ा सा टफ है ना। तो सेम टू सेम हमें डिज़ाइन करना है पहले, जैसा दिया गया उस तरह से। तो पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं, फिर फोर पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और फिर एक स्क्वायर फिर से क्रिएट करेंगे सारे पार्ट से जो कट निकला है हमारा।
लाइन निकला है, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया। फिर यहाँ से एक और ट्रायंगल बनाया गया है, तो हम लोग यहाँ से फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं और हम लोग इधर से भी बना लेते हैं, ठीक है, इधर से भी बना लेना है। उसके बाद इस कटिंग को यहाँ पे मिला देना है और फिर इस कटिंग को यहाँ पे मिला देना है, और यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा और यहाँ पे भी ब्लैक हो जाएगा। तो हमारा बन गया हमारा डिज़ाइन। तो हमारा एक पार्ट पता चल गया कि इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, यानी कि हम लोग फोर्थ वाला पार्ट अलग से अब बना के देख लेते हैं कैसा होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि फोर्थ वाला पार्ट हमारा इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चार ऑप्शन में से देख लेते हैं कि फोर्थ वाला जो पार्ट हमारा होना चाहिए इस तरह से दिया गया है या नहीं। तो वन नंबर में हम देख रहे हैं, तो वन नंबर में तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिया हुआ है वो इसमें दिया गया ही नहीं है, तो वन नंबर हमारा क्रॉस कर देंगे क्योंकि रॉन्ग है। उसके बाद टू नंबर हम देखेंगे, तो टू नंबर में जब हम देख रहे हैं तो ब्लैक वाला जो पार्ट है वो ऊपर की ओर दिया गया और डिज़ाइन भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो टू नंबर भी हमारा रॉन्ग हो गया, इसको हम कर देंगे क्रॉस। अब देखते हैं हमारे थर्ड वाले पिक्चर में, तो थर्ड वाले ऑप्शन में जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है कि थर्ड वाले ऑप्शन में भी अलग बनाया गया है, बहुत अलग डिज़ाइन बनाया गया इसमें, तो ब्लैक वाला पार्ट नहीं दिया गया। यहाँ पे ब्लैक पार्ट होता तो जाके ये आंसर सही हो जाता, तो ये हमारा रॉन्ग है। इसलिए अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर और थर्ड वाले को क्रॉस कर देते हैं, और फोर्थ नंबर में जब हम लोग देख रहे हैं तो सेम टू सेम डिज़ाइन बन रहा है हमारा जैसा हमें चाहिए था, यानी कि हमारा फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसको हम लोग टिक आउट कर देंगे। हम लोगों ने हमारा 14 नंबर तक कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग बाकी का नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।